नहीं कर सकता सर, मैंने अपने सपनों का गला घोट दिया है सर। कभी ऑफिस का प्रेशर था, कभी सर बॉस से झगड़ा था, कभी दोस्तों से झगड़ा था। मेरे जो दोस्त थे वो आगे बढ़ गए, वो सीए बन गए, वो पैसे कमा रहे, मैं आज वो अकेला रह गया हूँ, ये मैं अकेले रह गई हूँ। दुख होता है सर, बहुत दुख होता है, अकेले में रोता भी हूँ, रोती भी हूँ। कोई शेयर करने के लिए होता नहीं, मन करता है मैं छोड़ दूँ, पर जैसे मैं पीछे घूम के देखता हूँ या देखती हूँ, मेरे को दुनिया के दो महान इंसान दिखते हैं, मेरे मम्मी मेरे पापा, माय मॉम एंड डैड, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत 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 डिफिकल्टी देखी होगी और मैंने वो महसूस की है। पापा आज थक गए हैं, 55 साल के हो गए, फिर भी वो काम कर रहे, क्यों? क्योंकि मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। मम्मी हाउसवाइफ है, मम्मी को शायद पता भी नहीं होगा सीए में क्या होता है, फिर भी मम्मी मेरा पूरा सपोर्ट करती है। मन में बहुत बार ये थॉट आता है कि सर मैं नहीं कर सकता, मेरा छोड़ने का मन करता है, पर क्यों बेटा क्यों? छोड़ दोगे तो क्या करोगे लाइफ में? एमबीए करोगे आप? आपको कुछ और करना होगा, बीकॉम कहलाओगे आप, सेमी क्वालिफाइड कहलाओगे, क्या हो जाएगा उससे? वही 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी, जब आपको पता है वो इज्जत, जो खोई हुई इज्जत है हमारी। सब ने सर तकलीफ दी, मम्मी पापा ने कुछ कहा नहीं, पर वो कहते मानते तो है ना कि यार ये मैं कुछ नहीं कर सकता। पापा से कितनी बार शायद आर्गुमेंट भी हुआ होगा, डिसएग्रीमेंट हुआ होगा वहां पर कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मम्मी ने भी शायद उम्मीद छोड़ दी होगी सर, सर अगर मैं लड़की हूँ तो सर शायद घर वाले फोर्सफुली शादी करवा रहे होंगे सर, पर मेरा सपना था सर मैं सीए बनूं, पर वो मुझसे नहीं हो रहा है सर, नहीं है मेरा दिमाग तेज सर, मैं 55-60 वाला हूँ, मेरे को 55% आते थे सर, मुझे थ्योरी नहीं समझ में आती, मेरा दिमाग तेज नहीं चलता सर, बाकी बच्चों का चलता है सर, मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ सर, मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ सर? क्यों? एमबीए करोगे, नौकरी करोगे 20-25 हज़ार रुपए वाले, बीकॉम ग्रेजुएट कहलाओगे हमेशा, सेमी क्वालिफाइड कहलाओगे हमेशा। गाइस यू आर दिस क्लोज, यू आर दिस क्लोज, यू आर दिस क्लोज टू योर ड्रीम, टू योर डिग्री। डू नॉट क्विट, डू नॉट क्विट, धीरे धीरे चलो, ठीक है? मैं मानता हूँ हमसे गलती होगी, शायद हमने मस्ती की होगी, हमने जब पढ़ना था पढ़ाई नहीं किया, आज हम जब पढ़ रहे पर सपोर्ट नहीं करा, दिमाग नहीं चल रहा, टेंशन इतना है, घर पे फाइनेंशियल इश्यूज है, घर पे हेल्थ इश्यूज है, मेडिकल इश्यूज है, बहुत सारा स्ट्रेस है। आई एम दिस क्लोज नाउ, बट क्या होगा अगर आप क्विट कर दोगे तो? वही जिंदगी भर सेमी क्वालिफाइड कहलाओगे, 20-25 साल बाद जब आप आपकी जब शादी हो जाएगी, आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे, 20-25 साल बाद जब आपका बेटा भी बोलेगा कि मेरे को कॉमर्स लेना है, कॉमर्स लेना है पापा, मेरे को सीए बनना है, क्या कहलोगे? मत कर, क्यों? क्योंकि तेरा बाप एक लूजर था, क्योंकि उसी से नहीं हुआ था तो तुझसे कैसे होगा? उस दिन तुमको दुख होगा कि भाई क्यों नहीं किया मैंने, क्यों नहीं सुना ये चीज, शायद मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता, कर लूंगा ना मैं यार, आखिरी बार तो कोशिश कर लूं मैं, जी जान लगा दूं मैं अपनी, सब कुछ छोड़ दिया है आप, जिंदगी के 5-6 साल दे दिए इस डिग्री के लिए, इस कोर्स के लिए, क्यों मैं क्विट कर दूं इस टाइम पर आके? सो बच्चों, जिनके मन में भी ये थॉट आता है सर नहीं हो रहा है मुझसे, इट्स ओके इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, इट्स ओके आप अगर स्लो लर्नर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लो यू गो, सो लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप। अगर आप वहां रोक दोगे तो जिंदगी भर के लिए वो फुल स्टॉप लग जाएगा, चलने दो डॉट डॉट डॉट, चलने दो, होगा एक दिन तुम्हारे घर में भी खुशियां आएंगी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा, तुम्हारा भी बनेगा एक दिन मन्नत, होगी जिंदगी जन्नत, होगा बेटा होगा, बट डू नॉट क्विट, कोशिश करो, आपका काम है कोशिश करने का, कोशिश नहीं करो तो कैसे होगा? सर मैं 4 बार फेल हो गया, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर आप फेल हो गए हो तो, अबे कितने बड़े बड़े लोग भी तो फेल हुए हैं, उसके बाद तो सक्सेस आता है, और जिसको लगता है कि मार्क्स हमें एकदम कम मार्क्स है कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, 400 वाला भी कहलाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, 401 वाला भी कहलाएगा 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 700 वाला भी कहलाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, 800 वाला भी कहलाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब 400 से लेकर 800 में मार्क्स, जब एक ही मार्क्स आने वाला है भैया, मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे भी करके वहां पर पास हो, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। तो जितना डिले करोगे आपके सक्सेस के लिए, आपकी खुशियां उतनी डिले होती जाएगी। अगर आज मैंने ठान लिया, अगर आज मैंने सोच लिया कि मेरे को करना है, किसी के बाप में भी दम नहीं मेरे को रोक सके, मेरे को वो करना है, मेरे को मेरे लिए करना है, मेरे को मेरी खुशियों के लिए करना है, क्योंकि मेरे को मेरा ड्रीम पाना है, शायद मेरे को अब्रॉड जाके पढ़ना है, शायद मेरे को मॉडलिंग करना है, शायद मेरे को डांसर बनना है, शायद मेरे को जिमनास्ट बनना है, शायद मेरे को कुछ और करना है, पर क्या
हर जगह पर एक एक प्रॉब्लम अटक रही है कि सर, क्योंकि वो पापा हर जगह कहते हैं ना पूरी बिरादरी में, मेरा बेटा सीए बन रहा है, मेरा बेटा सीए कर रहा है, मेरी बेटी सीए कर रही है, छाती फाड़ के एक बार तो मौका दे दे भैया। पापा कह सके मेरा बेटा सीए बन चुका है, मेरी बेटी सीए बन चुकी है, 10 लाख रुपए कमा रही है, 5 लाख रुपए कमा रही है। क्योंकि सीए इज एन इमोशनल अटैच्ड डिग्री, इट इज एन इमोशनल अटैच्ड डिग्री। बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़िए आप सबसे, आपसे जोड़िए आपके घर वालों की। याद करो अपना बचपन का दिन, वो सीपीटी वाला दिन जिस दिन वो 100 नंबर आए थे, भले वो 100 आए होंगे, रसगुल्ले बटे थे, रसगुल्ले फालतू से एग्जाम थे, अपने को पता अपन कैसे पढ़े थे, कैसे पास हुए थे। याद करो आपको वो आईपीसी से वो इंटर का दिन, भले आपको ग्रुप टू में अटेम्प्ट लगा होगा ऑडिट के चक्कर में, फिर भी फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। इमेजिन जब वो बचकांड से एग्जाम जो सीपीटी वाले एग्जाम थे उसमें अगर पापा इतने खुश थे, रसगुल्ले बटे, जनरली मारवाड़ी गुजरात में रसगुल्ले बटते हैं। इमेजिन द डे जिस दिन फाइनल में आप भले बॉर्डर में पास हो पर कहलाओगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, उसके बाद एक्चुअल स्ट्रगल चालू होगा बेटा, उसके बाद एक जिंदगी चलोगे जहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाने के लिए। पर ये जो मेरा बैरियर जो रखा है बेटा, एज आ रही है, बाल झड़े, इट्स एब्सोल्युटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू नॉट क्विट, कर लो, होएगा। मैं एक लाइन बोलता हूं व्हिच आई जनरली बिलीव, इट सेज वी लिव आवर लाइफ लाइक अदर्स डोंट जस्ट टू लिव अ लाइफ विच अदर्स कांट। इंग्लिश में बोला नहीं समझेगा, वी लिव अ लाइफ लाइक अदर्स डोंट जस्ट टू लिव अ लाइफ विच अदर्स कांट। वी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स लिव अ लाइफ 12 घंटा 15 घंटा पढ़ना, व्हाट्सएप बंद, सोशल नेटवर्किंग बंद, सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह, घर वालों से नहीं मिलना, खाली पढ़ाई 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 पढ़ाई। मेरा नॉन सीए फ्रेंड ये नहीं कर रहा होता, मेरा इंजीनियरिंग फ्रेंड ये चीज़ नहीं कर रहा होता, वो जिंदगी जी रहा होता है। क्यों? एक ऐसी जिंदगी पाने के लिए जो बाकी लोग अचीव नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी लोग नहीं अचीव कर सकते, बट हाँ, वो लोग, पापा का पैसा है, पापा का पैसा है, वो तुम्हारा नहीं है, तुमने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा है। चाचा विधायक है, चाचा विधायक है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुमने कुछ नहीं किया लाइफ में। जस्ट टू लिव अ लाइफ विच अदर्स कांट, साइनिंग की ताकत, जहां घूमने जाना है वहां घूमने जाएंगे, अपने टाइम पे आऊंगा अपने टाइम पे जाऊंगा, ऑडिटर रूम में, सब तुम्हारे हाथ में। सो इफ यू वांट टू सी दैट ड्रीम, मैं आपको खुली आंखों से सपना दिखा रहा बेटा, होएगा, बट मेहनत आपकी है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डू नॉट क्विट। चलता हूं, दुआ में रखना, ऑल द बेस्ट।